लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के इक्वेशन बनाने हैं, ठीक है। आप स्टार्ट कहां से करेंगे बताइए। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 इयर्स अगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू आर। देन ये हम लोग प्रेजेंट से स्टार्ट करें कि अभी जो है वहीं से स्टार्ट करते हैं। दो तरीका है सर, इजी कौन सा रहेगा? दोनों अलग अलग हैं, जिससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट से स्टार्ट कर दें। चलो प्रेजेंट से लेट अजम्पशन पूरा आप सिस्टमेटिक लिखेंगे। लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, पूरा अजम्पशन। एंड डॉटर्स प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स, अजम्पशंस ऐसे लिखते हैं पूरे। फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट क्या? 7 years ago. हेडिंग डालेंगे 7 years ago. 7 years ago आफ्ताब क्या हो जाएगा? और डॉटर, ठीक है। और उसने क्या बोला फिर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब एज विल बी 7 टाइम्स द डॉटर एज। बिल्कुल क्लियर ना? तो आफ्ताब मतलब x माइनस 7 विल बी 7 टाइम्स डॉटर मतलब 5 माइनस 7, ठीक है। तो इसको अपन ओपन करेंगे, x माइनस 7 इक्वल्स टू 7 y माइनस 49। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो, x माइनस 7 y इक्वल्स टू, ये माइनस 7 वहां जाकर प्लस हो जाएगा, तो माइनस 42 प्लस 7 दैट इज माइनस 42 बचेगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। क्या किसी को इसमें कोई डाउट है? क्या हो गया ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट करना है तो मैं थोड़ी जगह बना ले रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट अपना यहाँ पर हो गया, ठीक। अब अपन सेकंड पार्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं साइड। फिर सेकंड पार्ट में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years फ्रॉम नाउ आफ्ताब हो जाएगा एक्स प्लस 3 और डॉटर हो जाएगी वाई प्लस 3। और उसने बोला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आफ्ताब विल बी 3 टाइम्स द डॉटर्स एज, ठीक है। आफ्ताब अभी क्या है? x प्लस 3, डॉटर है 3 टाइम्स y प्लस 3, ठीक है, y प्लस 3। सही बनाया? Yes, अब इसको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9, ट्रांसपोज कर लेंगे, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ये 3 यहां पर माइनस हो जाएगा 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और इसके बाद ये दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, हम लोग बाद में कर लेंगे। सबसे इजी हमने देखा था एलिमिनेशन का, सब्स्टिट्यूशन में तो मिस्टेक्स हो रही थी, है ना। सबसे इजी जो है, वर्किंग भी शॉर्ट है और मिस्टेक्स नहीं होती इन द एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये जो इक्वेशन हमने 2 बनाई है ना, ये 2 इक्वेशन हमने प्रीवियस वर्क में आपको दे चुके हैं, कहीं ना कहीं ये इक्वेशन होगा जरूर, चेक कर लें। जी अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी है ना। लेट द कॉस्ट ऑफ द 1 बेड बी एक्स रुपीज, है ना। अजम्पशन बिल्कुल डिटेल से लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बेड बी एक्स रुपीज and that of one ball be y rupees, ऐसा assumption पूरा डिटेल में लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन बताएंगे 3x plus 6y equals to 3900, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। और सेकेंड इक्वेशन x plus 2y equals to 1300, किसी को कोई कंफ्यूजन? काफी इजी सा इक्वेशन है, yes। इसके आगे एलिमिनेशन मेथड्स करके सॉल्व कर लेना है।
क्वेश्चन नंबर थ्री, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी एक्स रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप बी वाई रुपीज। मैं ये लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ, मतलब आप लिख लेंगे, अजम्पशन से ही स्टार्ट होगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, 2x + y = 160 और सेकेंड इक्वेशन बनेगा 4x + = 300। मुझे नहीं लगता किसी को कंफ्यूजन होगा, काफी इजी सा इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों की प्राइस आ जाएगी एलिमिनेशन मेथड से। ये तो इजी इजी क्वेश्चंस हैं। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, अजम्पशन क्या रहेगा, जो भी लेना है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड द गर्ल्स बी वाई, आपका अजम्पशन हो गया। देर आर टोटल 10 स्टूडेंट्स, x + y = 10, और वो बोल रहा है कि गर्ल्स आर 4 मोर, गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज। देखो ये समझने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, गर्ल्स इज इक्वल टू 4 मोर देन बॉयज, है ना, या आप ऐसे लिख दो 4 + boys = girls, 4 + boys क्या है, x = y, x - y, ये 4 वहां जाकर -4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन बन गए, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, इजी है ना इक्वेशंस। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil बी एक्स रुपीज एंड 1 pen बी वाई रुपीज। फर्स्ट इक्वेशन 5x + 7y = 50 और सेकेंड इक्वेशन 7x + 5y = 46, ये दो इक्वेशन बन गए, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, राइट? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, हाफ द पेरिमीटर इज 36, इसके आगे पढ़ना नहीं, इसके आगे सेंटेंस ही दूसरा है, हाफ द पेरिमीटर ऑफ अ गार्डन इज 36, फाइंड द डायमेंशंस, लेट द लेंथ बी एक्स एंड द ब्रेथ बी वाई। वो बोल रहा है हाफ द पेरिमीटर, पेरिमीटर का आधा कितना है 36, है ना, हाफ द पेरिमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ द पेरिमीटर, पेरिमीटर क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 36, 2 से 2 कैंसिल, लेंथ को आपने बोला x, ब्रेथ को बोला y equals to 36, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, किसी को कोई कंफ्यूजन नो सर। सेकंड स्टेटमेंट यहां देखो, मैं इसलिए आपको बता दिया हाफ द पेरिमीटर इज 36, यहां दूसरी चीज बोल रहा है, बोल रहा लेंथ इज 4 मोर देन द ब्रेथ, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, तो क्या आएगा x = 4 - y, x - y = 4, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गए, सॉल्व कर लेंगे आप एलिमिनेशन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, ये आपका अजम्पशन, फर्स्ट में क्या बनेगा इक्वेशन, ठीक है फर्स्ट इक्वेशन बन गया, सेकेंड वन ऑफ द नंबर, मान लो ये फर्स्ट नंबर इज 3 times the second number, x - 3y = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये आपका सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गए, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, राइट?
सबको क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बता रहा है. आपको मालूम है व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स? यस, दो एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180, उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं. ये दो एंगल्स की बात कर रहा है. हम बोल देंगे लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई. अब सबसे पहले तो ये डेफिनेशन से आ जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इनका सम तो 180 होता है. तो फर्स्ट तो डेफिनेशन से ही इक्वेशन बन गया. और फिर उसने क्या बोला, लार्जर एंगल एक्सीड्स, ज्यादा है किससे, द स्मॉलर एंगल, लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्रीज. X minus y equals to 18. Yes, according to question. Question ये बोला बड़ा एंगल छोटे से 18 ज्यादा है. तो x minus y equals to 18. This is equation number 2. देखिए दो simultaneous equations बन गए. Elimination से solve कर लेंगे. Yes. Question में बहुत variety है. अभी तो ये आपके हम सिर्फ NCERT की question के लिए, और फिर reference book से question है. ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो इक्वेशन, एक बार इक्वेशन बन गया सॉल्व तो हम कर ही देंगे. लेट द कॉस्ट ऑफ द बैट बी एक्स रुपीज एंड द बॉल बी वाई रुपीज. फर्स्ट इक्वेशन उसी के जैसा है. ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज का है, नेक्स्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है. और सेकेंड 3x plus 5y equals to 1750. कोई confusion किसी को? बिल्कुल नहीं, repeated है ना, पर कर लिया हमने ऐसे question. हाँ, ये question थोड़ा सा different है. हमने taxi लिया, तो taxi के जो charges हैं, वो एक है fixed charge और एक है charge for the distance covered. How much does a person pay for this? तो fixed charge को ले लो x rupees, charge for the distance covered y. अब वो बोल रहा है कि for the distance of 10 kilometer he paid 105. क्या equation बनेगा? X plus 10y equals to 105. कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ठीक है ना सबको? और फिर वहां पर एक इक्वेशन और बनेगा, x plus 15y equals to 155. यह है इक्वेशन नंबर 2. एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, एक्स और वाई दोनों के वैल्यूज आ जाएंगे. ये जितने अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशंस बना रहे हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड से होमवर्क में चेक करेंगे. होमवर्क में कर लेंगे आप. और फिर हम लोग ये भी देख लेंगे, इनकेस अगर ये क्वेश्चंस कर चुके हैं तो दोबारा नहीं करना है. बिल्कुल. देखिए दो टाइप के चार्जेस हैं, एक फिक्स्ड चार्ज एक्स रुपीस और दूसरा है डिस्टेंस चार्ज. तो आप जा रहे हैं ना, फिक्स तो लगेगा और जितने किलोमीटर जाओगे उसके हिसाब से वेरिएबल चार्ज भी लगेगा. आप वाई किलोमीटर गए तो किलोमीटर का चार्ज फिक्स तो है. आपने आपने हमारा टैक्सी जो है आपने रेंट किया, इतना चार्ज तो लगेगा. आप जितने डिस्टेंस जाओगे 10 के हिसाब से, 10 किलोमीटर गए इंटू वाई के हिसाब से आपको पे कर. अभी इन सारे क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व कर लेंगे ना तो आंसर से फिर से समझा दूंगा. फाइंड द फ्रैक्शन, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, डिनोमिनेटर बी वाई, सो द फ्रैक्शन इज एक्स बाय वाई. हमें फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ये तो हमने अजम्पशन ले लिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. ठीक है, हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है.
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकाल के छोड़ नहीं दे रहा, फ्रैक्शन। अब देखिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कहां से करेंगे, फ्रैक्शन से, एक्स अपॉन वाई से। वो बोल रहा है इफ टू इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ टू इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 9/11। क्या आपको समझ में आया? अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर दोनों का लिख लीजिए और डिनोमिनेटर को क्रॉस कर दीजिए, समझ गए? फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे, 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म 11x माइनस इक्वल्स टू, दैट इज माइनस 4। ये इक्वेशन नंबर वन। बिल्कुल इसी तरह से फिर इक्वेशन नंबर टू भी बनाना है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहा है पहले फ्रैक्शन, इफ 3 इज एडेड टू बोथ, 3 इज एडेड टू बोथ इट बिकम्स इक्वल्स टू, इसका इक्वेशन भी वैसे ही बनेगा, आप बना लेंगे कि मैं हेल्प करूं, हो जाएगा ना, हम लोग बढ़ जाते हैं, टाइम सेव हो जाएगा। एक स्टेटमेंट बोलता है 5 years hence Jacob will be 3 times, दूसरा बोलता है 5 years ago Jacob was 7 times, find their present ages। कहां से स्टार्ट करेंगे, लेट जेकब्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स एंड सन्स प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स, प्रेजेंट एज जरूर से लिखना, ये तो अजम्पशन हो गया। अब हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहे हैं 5 years hence, 5 years hence मतलब After, जेकब क्या हो जाएगा x प्लस 5 और सन क्या हो जाएगा 5 प्लस 5। अब वो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ रहा है, जेकब विल बी थ्री टाइम्स द सन। पहले आप ऐसे लिख लिया करो, स्टेटमेंट दिया ना जेकब विल बी 3 times द सन, जेकब x प्लस 5 इक्वल टू 3 times सन। फिर इसको अपन ओपन करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये 5 यहाँ आकर माइनस 5 हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, वो बोल रहा है 5 years ago, एक आप हेडिंग बनाएंगे, जेकब कितना हो जाएगा x माइनस 5 और सन हो जाएगा 5 माइनस 5। पेन थोड़ा सा स्लो चल रहा है। फिर उसने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जेकब इज 7 times, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जेकब इज 7 times द सन। जेकब है x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7 times y माइनस 5, ठीक है, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35। थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो गया, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30, ये माइनस 5 यहाँ आकर प्लस 5 हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। क्या सबको क्लियर है? yes. ये वही फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो गया है ना, क्या
अच्छा, ये सबसे पहले तो हमारा अजम्पशन हो जाएगा लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। फिर हम लोग दो पार्ट में करेंगे, है ना। फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट वहीं से करते हैं, एक्स अपॉन वाई से। फिर बोल रहा है इफ वी एड वन टू न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर इट बिकम्स वन, ठीक है। यस, इसको क्रॉस कर देंगे, एक्स प्लस वन इक्वल्स टू वाई माइनस वन। फिर उसके बाद आप ट्रांसपोज कर लीजिए, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू, ये आपका इक्वेशन नंबर वन। फिर सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं, हम बोलेंगे एक्स अपॉन वाई, यहां से स्टार्ट करेंगे, इट बिकम्स वन बाय टू, वन बाय टू हो जाएगा। इफ ओनली एड वन टू द न्यूमरेटर, केवल न्यूमरेटर में वन एड, वन टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में वन एड करें बस। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टू एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस वन। ट्रांसपोज करेंगे, टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन, ये आपका इक्वेशन नंबर टू। कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं। देखिए दो लोग हैं यहाँ पर, नूरी और सोनू, आपको ये पहले जज करना पड़ेगा कौन बड़ा है। नूरी वॉज थ्री टाइम्स, तो नूरी बड़ी, जो बड़ा है उसको ले लो एक्स और छोटे को ले लो वाई, ठीक है। अजम्पशन पूरा डिटेल में लिख ला, लेट नूरीज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर, सोनूज प्रेजेंट एज बी वाई ईयर, ऐसा पूरा डिटेल में लिखना। अभी हम लोग ना दो पार्ट में दोनों स्टेटमेंट बना ले, ठीक है। तो ये हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं फाइव इयर्स अगो, फाइव इयर्स अगो, नूरी अगो एक्स माइनस फाइव और वाई माइनस फाइव। फिर उसके बाद हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नूरी इज थ्री टाइम्स सोनू, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू थ्री टाइम्स वाई माइनस फाइव, सो एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू थ्री वाई माइनस फिफ्टीन, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू माइनस टेन, है ना। yes, ये आपका इक्वेशन नंबर वन। और सेकंड वाला टेन इयर्स लेटर, पेन अभी भी स्लो चल रहा है, चलने दो कोई बात नहीं। सोनूरी एक्स प्लस टेन और सोनू वाई प्लस टेन, ठीक है। उसने बोला नूरी विल बी ट्वाइस, टू टाइम्स सोनू, एक्स प्लस टेन इक्वल्स टू टू टाइम्स वाई प्लस टेन, ठीक है। एक्स प्लस टेन इक्वल्स टू टू वाई प्लस ट्वेंटी, एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू टेन, ये टेन यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, इक्वेशन नंबर टू। तो कोई ऐसा बहुत मुश्किल नहीं लग रहा है ना, टेस्ट दूंगा तो पता चल जाएगा। सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज नाइन, लेट द टेंस प्लेस बी एक्स एंड द यूनिट्स प्लेस बी वाई, ये हमारा अजम्पशन है। फिर उसने बोला सम ऑफ द डिजिट्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू नाइन, तो ये तो आपका फर्स्ट इक्वेशन सीधा सीधा बन गया, लेकिन सेकेंड इक्वेशन ध्यान से बनाना है, ठीक है। अब आप ये तो ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या होता है, टू डिजिट नंबर कैसे लिखते हैं, टेन टाइम्स द टेंस डिजिट
प्लस द यूनिट स्टेट, यस केजी, यस सर, 10x प्लस y। देखिए अगर मुझे 56 लिखना तो मैं लिखूंगा 10 5 जा 50 प्लस 6, तो 10 टाइम्स द 10th डिजिट होता है प्लस यूनिट डिजिट, वही मैं लिख रहा हूं, तो 10x प्लस y क्या है, ये ओरिजिनल नंबर। अगर मुझे रिवर्स नंबर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 10 y प्लस x, 10 y प्लस x, डिजिट्स रिवर्स हो गई, यस सर। और अब आगे ध्यान से देखिए, उसने बोला 9 टाइम्स दिस नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ट्वाइस द रिवर्स नंबर, समझ गए, 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 times the original is 2 times the reverse. 9 times original मतलब 10x plus y. 10x plus y equals to 2 times 10y plus x. 10y plus x. उसको solve करके आएगा हमारा next equation. टेन वाई प्लस एक्स, ठीक है, ओपन करोगे 90x plus 9y equals to 20y plus 2x, ठीक है, फिर क्या करना है, ट्रांसपोज करके स्टैंडर्ड, ये 2x यहां लाके माइनस हो जाएगा, बचेगा 88x, ये y यहां आकर माइनस हो जाएगा तो बचेगा माइनस 11y equals to 0, पूरे इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दो, डिवाइड हो रहा ना, yes. जितना सिंप्लीफाई होता है सिंप्लीफाई करना, जितने छोटे नंबर से सॉल्व करोगे वर्किंग उतनी इजी हो जाएगी, यस सर। पूरा इक्वेशन है 8 से कटता है 11 से काट, 8x माइनस y इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास पहले बन गया था, ये इक्वेशन नंबर 2, दो साल में चले इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, x और y के वैल्यू निकलेंगे, देखो अभी ये हमने सिर्फ इक्वेशंस बनाए, फिर उनके वैल्यूज निकालने के बाद फिर नंबर बनाना है, नंबर भी बनाना है, तो थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे उसके बाद, है ना, मतलब हमने जो एक्स और वाई निकाल दिया वही आंसर नहीं होगा, है ना, मान लीजिए एक्स आपने निकाला 5, वाई निकाला 6, तो नंबर आएगा 56, तो एक्स और वाई का वैल्यू जो है ना इसमें रखना ओरिजिनल नंबर के इक्वेशन में, आंसर ये है, तो हम लोग फाइनली थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे आंसर आने के बाद, एलिमिनेशन मेथड से आंसर आने के बाद फिर से हम इसको डिस्कस करेंगे और फाइनल आंसर बनाएंगे। मीना वेंट टू बैंक, 2000 रुपीज उसको विड्रॉ करना है, 50 और 100 के नोट्स अवेलेबल हैं, तो 50 रुपी के नोट्स कितने मिले, x, 100 के कितने मिले, y, टोटल नोट्स कितने मिले, 25. क्या आएगा इक्वेशन, x plus 5 equals to 25. टोटल नोट्स काउंट किए तो 25, yes, नोट्स काउंट करने पर 25, लेकिन 50 रुपीस के कितने नोट थे, x, और 100 रुपीस के कितने नोट थे, y, टोटल वैल्यू 2000, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व कर लेंगे, वेरी क्लियर, यस सर। यहाँ थोड़ा ध्यान देना, लाइब्रेरी में फिक्स चार्ज है 3 डेज का, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, 3 डेज के बाद एक्स्ट्रा रखोगे तो एडिशनल चार्ज पर डे का लगेगा, जितने दिन एक्स्ट्रा रखेंगे उतने दिन एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा, तो हम बोलते हैं लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज एंड द एक्स्ट्रा डे एडिशनल चार्ज बी वाई रुपीज। अब देखिए सरिता ने 27 पे किया फॉर 7 डेज, फिक्स चार्ज तो लगेगा, ये फिक्स चार्ज कितने दिन का था, 3 डेज का, उसने तो 7 डेज रखा, कितने एक्स्ट्रा डेज रखा,
फोर डेज का एडिशनल चार्ज लगेगा और पूरा टोटल मिलाकर 27 पे किया. इज दैट वेरी क्लियर? यस सर. पहले फर्स्ट थ्री डेज का चार्ज है एक्स, पहले तीन दिन का तो पे कर चुके हैं. यस सर. टोटल उसने 7 डेज रखा, कितने दिन एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. यस सर. अब नेक्स्ट अपन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट है उसने कितना 5 डेज रखा टोटल. एक्स रुपीज तो हमने 3 डेज का पे कर दिया. Yes, एक्स्ट्रा कितने दिन रखे? 2y. टोटल 21. ये आपका इक्वेशन नंबर 2. इज दैट वेरी क्लियर? यस. सॉल्व करके हमारे फिक्स चार्ज एक्स्ट्रा चार्जेस दोनों आ जाएंगे. फिर जब आप आंसर सॉल्व करके लाएंगे तो इसको एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेंगे. yes, ये क्वेश्चन नंबर 17 जैसा नहीं है. मतलब यहाँ एडिशनल चार्ज तो है लेकिन एडिशनल डे चार्ज नहीं है. मंथली चार्ज है फिक्स और रिमेनिंग डेज. फिक्स चार्ज लेट द फिक्स चार्ज भी एक्स रुपीज, पर डे चार्ज भी वाई. अब एक स्टूडेंट है ए, उसने 20 डेज फूड लिया, उसको 1000 रुपीज पे करना पड़ा. यस इक्वेशन फिक्स चार्ज प्लस 20 डेज का चार्ज मिलाकर 1000 रुपीज. इसमें कहीं नहीं दिया है कि पर डे एक्स्ट्रा है ना, तो ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट जो स्टूडेंट है बी, उसने 26 डेज फूड लिया, फिक्स चार्ज प्लस 26 वाई इज इक्वल्स टू 1180. ये तो इजी सा इक्वेशन बन गया है ना. एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे. सबको क्लियर है ना मेथड्स? यस सर. ओके, क्वेश्चन नंबर 19. ये करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल सेम ऐसे कर चुके हैं दो क्वेश्चन. यस सर. स्किप कर दें? यस सर. चलिए स्किप कर दो. यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट. देखो कुछ क्वेश्चन उसने राइट किए, कुछ उसने रॉन्ग किए. ईच राइट के उसको 3 मार्क्स मिलेंगे और ईच रॉन्ग के उसको 1 मार्क्स मिलेंगे. लूज हो जाएंगे. हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर? हाँ राइट, क्या बोला अजम्पशन? राइट आंसर्स, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स, करेक्ट आंसर्स बी एक्स एंड द रॉन्ग आंसर्स बी वाई. टोटल कितने क्वेश्चंस थे? 40. नहीं, ये दिया ही नहीं. कोई तो पूछा है, कोई पूछा है. तो देखिए ये यश की अपन बात कर रहे हैं. यश को कितने मार्क्स मिले? 40. 3x माइनस, यस, अगर उसने x क्वेश्चन सही किए तो 3 मार्क्स फॉर ईच. यस सर. करेक्ट मतलब 3x उसको सही मिले और 1 फॉर लॉस्ट ना, फॉर रॉन्ग. रॉन्ग कितने हैं? y माइनस y इक्वल्स टू 40. यस सर. जितने उसने करेक्ट किए उसको 3 मार्क्स, जितने उसने रॉन्ग किए उसके 1 मार्क्स कट हो गए, उसको मिले 40. ये यश का हो गया. अब ये हम लोग दूसरे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं या उसी की. अगर 4 भी अवॉर्डेड फॉर करेक्ट, मतलब 4x और लॉस्ट डिडक्टेड 2 फॉर ईच माइनस 2y, तो उसे 50 मार्क्स मिलते. ये है इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके एक्स और वाई के वैल्यूज निकल जाएंगे, ऐड करके नंबर भी निकल जाएगा. मतलब इस शीट को हम लोग डिस्कस बाद में फिर से जरूर करेंगे, अभी तो अपन सिर्फ इक्वेशंस कर रहे हैं. देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, थोड़ा इसमें फिजिक्स भी मिक्स हो गया है. हाँ तो अच्छे से समझ लो क्योंकि हर स्टूडेंट फिर इसको दो दो बार पूछता है. अच्छे से समझना. yes, sir. टू पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में.
place A and B are 100 meters apart on a highway. एक कार ए पर है, दूसरी कार बी पर है एट द सेम टाइम. इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यहां मेरे फिगर में थोड़ा सा चेंज आएगा, अभी मैं बता दे रहा हूं. इफ दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन का मतलब ये होता है दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब कि दोनों ईस्ट में जा रहे हूं. Yes, sir. If they, ये first part, हाँ, if they travel in the same direction, they meet in 5 hours. First part हम बोलेंगे कहाँ, कौन सा direction? Same direction. कितने समय में मिलते हैं? 5 hours. First part कर रहे हैं, second part बाद में देखेंगे. आपको क्या find करना है? Let the speed of the two cars be x kilometers per hour and y kilometers per hour. Assumptions क्या होते हैं? Let the speed of the first car be x kilometer per hour and that of the second car be y kilometer. ठीक है. अब मैंने आपको बोला क्या है कि ये physics में हो रहा है. क्यों? आपको निकालना है डिस्टेंस. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट कार, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम. फर्स्ट कार की स्पीड कितनी है? एक्स. कितने घंटे चली? सेकंड कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? स्पीड इनटू टाइम. सेम फॉर्मूला. स्पीड कितनी है? वाई. ये भी 5, क्योंकि वो बोल रहा ना कि ये दोनों इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों ईस्ट में जा रही हैं, तो ये जहां कहीं जाकर सी पॉइंट पे मिलते हैं. ठीक है, 5 आवर्स के बाद मिलते हैं. यस सर, अंडरस्टूड है. दोनों को लगेंगे अपनी अपनी स्पीड. यस, अंडरस्टूड है कि एक ही स्पीड ज्यादा होगी, तभी तो ये इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया. यस सर, लेकिन दोनों चले 5 आवर्स के लिए. अब मुझे बताइए इसके आगे क्या करें. ए और बी के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है. 100 = 5 or 100 = 5? क्या हम बोल सकते हैं कि d2 - d1 = 100? d1 - d2 = 100. पहली कार ज्यादा चली ना, फर्स्ट कार चलती है AC. यस सर. सेकंड कार तो ओनली BC चल रही है, तो फर्स्ट कार कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है? BC. 100 किलोमीटर. फर्स्ट कार 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है, बीसी तो दोनों ने ट्रेवल किया. यस सर. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट कार माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड कार इक्वल्स टू 100. फर्स्ट कार है 5x, सेकंड कार है 5y इज इक्वल्स टू 100. इज दैट वेरी क्लियर? यस सर. पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए. इट विल बी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 20. इक्वेशन नंबर 1. अच्छा, मिस हो गया, थोड़ा सा स्लो चल रहा था आज. कोई बात नहीं, तो पूरा सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा. चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर. ध्यान से देखना, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर ए और बी एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, सेकंड केस ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट, दे मीट इन 1 आवर. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट कार कितना होगा? डिस्टेंस स्पीड इन टू टाइम. फर्स्ट कार की स्पीड कितनी है? एक्स. और टाइम कितना? 1. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकंड कार स्पीड इन टू टाइम. स्पीड कितनी है उसकी? y into 1. ठीक है ना? Yes. अब आप बताएंगे इसका इक्वेशन कैसे बनेगा.
दोनों मिलाकर 100 किलोमीटर। भाई थोड़ी डिस्टेंस ए ने ट्रेवल किया, बाकी का डिस्टेंस बी ने ट्रेवल किया, दोनों ने मिलकर 100 किलोमीटर कवर किया। यस सर। राइट, तो फर्स्ट ने एक्स किलोमीटर कवर किया, सेकंड ने वाई किलोमीटर कवर किया, दोनों मिलकर 100 किलोमीटर। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, आपको समझ में आया? देखिए ये फिजिक्स का ही न्यूमेरिकल जैसे हमने किए हैं, है ना, नाइन्थ क्लास में, वैसे न्यूमेरिकल टाइप का हो गया। कोई बात नहीं, ध्यान रखना सेम डायरेक्शन में फर्स्ट कार जो है वो 100 किलोमीटर ज्यादा कवर कर रही, D1 - D2 = 100। सेकेंड केस में दोनों ने मिलकर 100 किलोमीटर कवर किया, D1 + D2 = 100। एक बार भी घर में जाके अच्छे से इसको रिवाइज कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22। टॉपिक क्या है? बोट एंड स्ट्रीम। टॉपिक क्या है? बोट एंड स्ट्रीम। आप यहां पे रफ में अलग से समझ लीजिए। एक स्पीड होती है बोट की, yes, एक होती है रिवर की, जिसको हम लोग कभी रिवर बोलते हैं, कभी स्ट्रीम बोलते हैं, कभी करंट बोलते हैं। yes. यहाँ पे करंट बोल रहे हैं ना, करंट मीन्स द स्पीड ऑफ द रिवर। बोट की स्पीड मान लो मैं बोलता हूँ 10 किलोमीटर पर आवर, और रिवर के फ्लो की स्पीड है 4। ठीक है, ये दोनों स्पीड है कि नहीं? ये बोट की स्पीड, बोट की स्पीड एंड वाटर, शांत पानी में, बहते पानी में नहीं, yes. शांत पानी में मतलब लेक में जब चल रही थी अपनी पूरी ताकत से तो 10 किलोमीटर चलती थी, और यहाँ नदी बह रही है 4 की स्पीड से। अब एक चीज आता है डाउन स्ट्रीम। वॉट इज डाउन स्ट्रीम? नीचे मतलब सर नदी के साथ जा रही है। विद द फ्लो, विद द फ्लो क्या होगा इसकी स्पीड? 14 एड हो जाएगी, 14, है ना। बोट अपनी ताकत से 10 किलोमीटर चलेगी, पानी बहा के उसको 4 किलोमीटर और आगे ले जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड एड होती है। और वॉट इज अपस्ट्रीम? माइनस हो जाएगी, क्योंकि पानी उसको रोक रहा है, पीछे धकेल रहा है। यस, बोट अपनी ताकत से 10 किलोमीटर जाएगा और पानी उसको बहा के 4 किलोमीटर पीछे लेके आ गया, इट इज 6। क्या आपको इतना समझ में आया? यस। तो देखिए, सबसे पहले हम बोलेंगे लेट द स्पीड ऑफ द बोट बी, स्पीड ऑफ द बोट बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करेंट बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसके भी दो पार्ट्स हैं, इजी है, ध्यान से देखना। फर्स्ट पार्ट, ऋतु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउनस्ट्रीम में मैंने क्या बोला था, क्या लिख देना? B+C। डाउनस्ट्रीम में क्या बोला था मैंने? B+C। ये डाउनस्ट्रीम की क्या है? स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस कितना? 20 किलोमीटर / 2। बी क्या है? एक्स। सी क्या है? वाई। 20 / 2 = 10। ठीक है ना? यस सर। 10, इक्वेशन नंबर 1। सेम इस बार हम लोग अपस्ट्रीम भी लेंगे। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? B - C। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो B - C मतलब x - y, ठीक है, और equals to 4/2, that is equals to 2। yes, ठीक है, ज्यादा स्लो हो गया, that is equals to 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। कंफ्यूजन किसी को? देखिए, आज मैंने फर्स्ट टाइम आपको समझा दिया, हो सकता है ऐसा क्वेश्चंस आपने पहले नहीं किए हों, लेकिन आप घर जाकर इसको बिना देखे प्रैक्टिस करेंगे तो भी शायद ना बने, क्योंकि अभी आपको 50% समझ में आया। आप घर जाकर इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, रिवाइज करेंगे, कैसे मैंने कराया, ये सारे कॉपी में आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तभी बनेगा। yes. है ना, क्योंकि
एग्जाम में क्या होगा, वर्ड प्रॉब्लम आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स इसलिए आएंगे क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से पहले आपको इक्वेशन बनाते बन जाए, और इक्वेशन बन गया तो सॉल्व भी हो जाएगा, और इक्वेशन ही गलत बनाओगे तो फेल खत्म, है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स एग्जाम में आएंगे, और इतने सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपने देखा 50% से ज्यादा तो बहुत ईजी है, है ना, और बाकी के जो डिफरेंट है उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए ये एक क्वेश्चन जो है ये बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, टू वुमन फाइव मेन फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमन बी एक्स डेज एंड वन मैन अलोन बी वाई डेज। वन वुमन वन डे हाउ मच वर्क वन बाय एक्स वर्क। अगर पूरा काम एक्स डेज में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, वन बाय एक्स। एक वुमन वन मैन वन डे वन अपॉन वाई वर्क, पहले बताइए आपको इतना समझ में आया कि नहीं। वन मैन वन डे वन वुमन वन डे वन बाय एक्स वर्क, वन मैन वन डे वन अपॉन वाई वर्क। आया समझ में, नहीं आया, बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझ में आया, यहाँ एग्जाम्पल से समझिए। मान लो 4 days में, 4 days में वन वर्क करता था, 4 days में कितना वर्क, वन वर्क मतलब पूरा वर्क। अगर आप 4 से दोनों साइड डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक दिन में वन वर्क। तो आपने देखा रेसिप्रोकल हो गया, यस सर। 4 days में वन वर्क तो वन डे में 1/4। अगर पूरा काम एक्स डेज में तो एक दिन में 1/1/x। अगर पूरा काम वाई डेज में तो एक दिन में 1/1/x। तो वन डे का जब भी निकालते हैं तो रेसिप्रोकल करते हैं। क्या अभी क्लियर हुआ, जब भी वन डे का वर्क निकालेंगे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। देखिए क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो आपके कोर्स में दिया है ऐसा, लेकिन है तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, अब उसने बोला टू वुमन, वन वुमन का काम 1/x, तो टू वुमन का काम 2/x, और बोल रहा फाइव मैन, वन मैन है 1/5, तो फाइव मैन 5/y, और दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, 4 days में, 4 days में पूरा काम, एक दिन में 1/4 वर्क, क्योंकि ये फ्रैक्शन निकाल लेना, एक दिन में दो वुमन, एक दिन में फाइव मैन, तो टोटल एक दिन में इतना काम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखिए बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम तक भी इसको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा कि इसको कैसे किया था। अच्छा, रेसिप्रोकल, ये पूरा रेसिप्रोकल्स में चलेगा। इसी तरह से सेकंड का बनाए, अब आपको बनना चाहिए सेकंड। थ्री वुमन 3/x, सिक्स मैन 6/y, टोटल 3 days, 1/3 days, बिल्कुल ठीक, गुड, बस खत्म। अब आपको मालूम है ना ऐसे क्वेश्चन 1/x, 1/y वाले हमने किए थे, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। 1/x को a बोल दिया, 1/y को b बोल के भी कर सकते हैं ना, सर इसमें तो हो जाएगा डायरेक्ट से, और डायरेक्ट से इजी हो जाता है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, है ना। हम लोग सब्स्टिट्यूशन देकर लेंदी नहीं करें। एक क्वेश्चन और है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर ट्रेन पार्टली, टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, इतना ध्यान रखना। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स, देखिए अब हम लोग कर कैसे रहे, देखो T1 + T2 इक्वल्स टू टोटल टाइम, पहले आप समझना, फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी का टाइम प्लस सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी का टाइम मिलाकर टोटल टाइम।
उसने बोला टोटल टाइम उसको कितने लगे, 4 आवर्स। फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी मतलब T1 टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, प्लस सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टोटल टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर्स। में अभी इसकी बात कर रहा हूं, कहां तक की, इतनी बात कर रहा हूं। अभी वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, अब ध्यान से देखना। हाँ, हमको क्या फाइंड करना, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एच किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ द बस बी। अब वो बोल रहा है इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन से अगर 60 किलोमीटर गए, ट्रेन की स्पीड क्या है एक्स, तो बाकी का डिस्टेंस कितना बचा, टोटल जर्नी 300 है। 60 माइनस ट्रेन से अगर 60 किलोमीटर गए, बाकी का 240 किससे गए, बस से। बस का स्पीड क्या है y, यह T1 है ना, और दूसरा है T2, यह T1, यह T2, T1 प्लस T2 उसने बोला था इट टेक्स 4 आवर्स, टोटल 4 आवर्स। यह है आपका इक्वेशन नंबर 1, क्या आपको समझ में आया अभी। यस सर। टाइम टेकन बाय द ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय द बस इज इक्वल्स टू टोटल टाइम, ऐसे बना रहे हैं इक्वेशन। और टाइम कैसे बनाया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसी से हम लोग सेकंड भी बना लेंगे। सेकंड पार्ट में बोल रहा है 100 किलोमीटर गए ट्रेन से, तो 100 अपॉन x, राइट। यस। अब बस से कितना गए, 200, टोटल 300 किलोमीटर, 100 ट्रेन से गए, तो बाकी बचा बस से। बस की स्पीड क्या है y, इस बार कितना लग रहा है, 10 मिनट्स longer, 10 मिनट्स नहीं लग रहा, 10 मिनट्स ज्यादा, 4 आवर्स से 10 मिनट्स longer। अब इसको ध्यान देना कैसे लिखना है, 10 मिनट्स हमें तो आवर्स में चाहिए, 60 से डिवाइड कर, मिनट्स में था, 60 से डिवाइड किया, ये क्या आ गया 4 1 by 6 6 4 24 + 1 25 by 6 hours, नहीं तो गलती हो जाएगी। यस सर। ये 10 मिनट्स नहीं है, 10 मिनट्स longer मतलब 4 hours 10 minutes, 4 hours 10 minutes, 10 को 60 से डिवाइड करेंगे और मिक्स फ्रैक्शन में को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या आपको समझ में आया, आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। और बाकी फिर आप एलिमिनेशन मेथड से इसको जब सॉल्व करके आएंगे तो उसके आंसर्स पुट अप करके और हम इसको और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। Yes.